महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग पर लगता है कि किस्मत कुछ ज्यादा मेहरबान नहीं है। बदकिस्मती से इस महकमे की अब नूशी की तमाम स्कीमें या तो मुकम्मल तौर पर नाकामी से दो चार हुए या किसी न किसी वजह से उसको नुकसान पहुँचा है। अब मालूम नहीं कि ये मिस मैनेजमेंट का नतीजा है या महकमे में ईमानदारी और इखलास की फुकदान है। पाक अफगान सरहदी इलाके अरंदू में 10 साल पहले साबिक सूबाई वजीर महकमा महबूदियाबादी सलीम खान चित्राली ने अब नूशी के लिए फंड फराहम किया था। इस फंड से लोगों को पीने के साफ पानी के लिए मंसूबे पर काम शुरू हुआ जिसमें पानी की टैंकी भी शामिल थी। ताहम ठेकेदार ने इस टैंकी के अंदर से डायरेक्ट पाइप बाहर गुजारा है और टैंकी खाली पड़ी है। हमारी टीम ने पहली बार इस इलाके का दौरा किया क्योंकि पाक अफगान सरहद पर वाकई होने की वजह से ये नो गो एरिया है। इस अजीब टैंकी के बारे में महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के सेक्रेटरी मोहम्मद इदरीस मरवत के नोटिस में लाया गया जिन्होंने उस पर फौरन एक्शन लिया। इस टैंकी के बारे में इलाके के लोगों में भी तशवीश पाई जाती है कि अगर इसमें पानी जमा नहीं किया जाता तो उसकी बनाने की फिर जरूरत क्या आती। टैंकी जो बनी है इसके लिए पैसे तो निकाले गए लेकिन जो पाइप आए हैं इससे सही सलामत निकल गए, इसमें एक कतरा पानी भी नहीं टपकाया गया और इसके पैसे खाए गए हैं। इसके बनाना न बनाना हमारे लिए एक था, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, अलबत्त पैसे खाने के लिए ये काफी। देखो लांजी ने उबा कशकवल उबना जगा कही उबना वदरीगी जका। सूबाई सेक्रेटरी महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की हिदायत पर चताल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अरशद इकबाल ने अपनी टीम के हमराह वहां जाकर उसका मुआयना किया। एक्सन पब्लिक हेल्थ का कहना है कि इसके लिए फंड मंजूर होकर बहुत जल्द उस पर काम शुरू होगा। तो हमारे सेक्रेटरी साहब की खसूसी दिलचस्पी की वजह से उसकी पेयर अप्रूवल हुई। इसके लिए हमने तकरीबन 80 लाख की स्कीम पेयर प्रपोज की है जो अभी टेंडर हो चुकी है और इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसके वर्क ऑर्डर भी इशू होंगे। तो जो इंशाल्लाह ये वर्क ऑर्डर इशू हुआ तो इस पर हम काम स्टार्ट कर लेंगे और इसी टैंकी को हम फाल बनाएंगे। इस तरह से है ना कि चूंकि पब्लिक हेल्थ ज़्यादातर डील करती है लोगों के साथ तो इसमें कुछ सोशल इश्यूज भी आते हैं जिस तरह के इसी स्कीम में आया हुआ है। इसके अलावा हमारे चंद और स्कीम भी हैं जो सोशल डिस्प्यूट्स की वजह से उसमें कुछ इनकम्प्लीट रह जाती है। ठेकेदार की भाई का कहना है कि इस पर उस वक्त तनाजा पैदा हुआ था इसलिए उसमें पानी नहीं डाला गया और पेप उसके अंदर से गुजार कर डायरेक्ट पानी सप्लाई करने लगा। अब सूबाई सेक्रेटरी महकमा पब्लिक हेल्थ के नोटिस लेने पर उम्मीद है कि ये मसला बहुत जल्द हल होगा और लोगों को पीने की साफ पानी फराहम होगी। चतरा से ब्यूरो चीफ अहमद अली गुलाम फारूकी, प्राइम न्यूज़ कनाडा।